बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में ही आना पड़ा। आशा रनौत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद आशा रनौत ने बुधवार को शिवसेना पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, आज आपने मेरी बेटी कंगना के ऑफिस पर नहीं बल्कि अपने पिता बाला साहब ठाकरे की आत्मा पर घाव किया है। वहीं दफ्तर में बुलडोजर चलाए जाने के बाद से कंगना महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। उनके निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। बुधवार को मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत ने वीरवार को अपने मुंबई स्थित ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद उसका जायजा लिया। इसके बाद उनका पहला ट्वीट सामने आया। ट्वीट में कश्मीर के डॉक्टर अग्निशेखर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कंगना ने बुधवार को उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब वे कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाएंगी। इसी बात को लेकर उन्हें डॉक्टर अग्निशेखर से सपोर्ट मिला है। कंगना अपने ट्वीट में लिखती हैं, हर हर महादेव।